हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हो आप? आज से मेरा हिमाचल का टूर चालू हो रहा है। अभी बज रहे सुबह के 8, मेरा फ्लाइट है अराउंड 12 बजे का, 12 नहीं 1 बजे का। बट मैं जाके नीचे अपने फैमिली के साथ बैठने वाला हूँ, क्योंकि मैं हिमाचल जा रहा हूँ अपने फैमिली के साथ। ये टाइम ना सोलो जा रहा हूँ ना दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ फैमिली के साथ। उसके बाद मेरा प्लान है आगे लद्दाख जाने का विथ माई ब्रदर। हिमाचल का भी प्लान ऐसे ही बना, मैं और मेरा भाई लद्दाख जा रहे थे और हिमाचल वैसे जाना हो ही रहा था फैमिली में, तो सोचा एक टूर कर ही लेते हैं हिमाचल का। फैमिली के साथ प्लान बन रहा तो आई एम वेरी हैप्पी। फैमिली के साथ बहुत मुश्किल से प्लान्स बनते हैं, सब वो टाइम पे फ्री होना या सोलो तो ईजिली निकल सकते हैं। जब मैं टाइम फ्री रहेगा, जब मेरे को काम नहीं रहेगा तो निकल जाओ, बट फैमिली के साथ प्लानिंग बहुत करनी पड़ती है और निकलना पड़ता है। बट उन्होंने ही प्लान किया, सब कुछ पैकेज वगैरह बुक किया। सॉरी गाइस, वीडियो लेट आ रही है। और अगर आपको रीसेंट अपडेट्स चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम स्टोरीज डालता रहता हूँ, वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, सो लेट्स गो। तो अभी बोर्डिंग चालू हो गई है और हम लोग लेट पहुँचे, ऑन टाइम पहुँच रहे। सामान बहुत था क्योंकि फैमिली के साथ आया हूँ, नींद भी काफ़ी आ रही है क्योंकि सोया नहीं था मैं, तो अभी जाके प्लेन में सोना ही है, या तो देखेंगे टीवी देखेंगे, बट अभी तक इट्स गोइंग गुड। तो अभी हम चंडीगढ़ पहुंच गए। मैं शूट नहीं कर पाया बिकॉज बहुत सामान थे, फैमिली के साथ आया तो बहुत ज़्यादा सामान है, तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया। और आज का आइटनरी एकदम आराम वाला है क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ शिमला, वहाँ पे 2 दिन का स्टे है मेरा। आज जाते जाते भी एक जगह जाने वाला हूँ मैं, एक गार्डन जो आपको दिखाऊंगा मैं। तो ये अपनी सवारी है अगले 6 दिन की। जैसे आपको पता, अगर आपने जम्मू का सीरीज देखा हो तो मेरी बाइक तो खड़ी है जम्मू में, और फैमिली के साथ आया हो तो हिमाचल घूमने, तो ये भाई साहब घुमाने वाले हैं हमें। 6 दिन ये गाड़ी में घूमेंगे हम। मैडम कैसा लग रहा है आपको? ये हमारी माता जी है। बहुत अच्छा। हाँ, क्या क्या अच्छा लग रहा है आपको? अभी तो स्टार्टिंग है। हाँ, स्टार्टिंग। आगे देखो क्या है। क्या है? मजे ही मजे। चलो भाई। तो सर जी, आज हम किधर जा रहे हैं? आज सर शिमला। सीधा शिमला जी। टाइमिंग है बीच में कुछ? बीच में कुछ नहीं है फिलहाल, अभी तो 4 घंटे का, 5 घंटे का नहीं, वो रास्ता मिल जाएगा ना जो। हाँ जी हाँ। चीटी डालू? क्या बोल रहे हैं चाचू? चीटी डालू? चाचू क्या बोल रहे हैं आपको? चीटी डालू? किधर है? तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। अभी हम लोग निकले हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट से और अभी जाएंगे पिंजोरे गार्डन घूमने, और बाकी कुछ नहीं जा पाएंगे हम लोग, पिंजोरे गार्डन ही जा पाएंगे आज। गार्डन जाएंगे, अभी जाएंगे सीधा शिमला, रुकेंगे और आराम करेंगे। आज का दिन टोटली ट्रैवल करने पे होएगा क्योंकि हम लोग का दोपहर का फ्लाइट था, तो हम लोग कुछ और एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। और एक जगह थी टिम्बर ट्रेल करके रिसोर्ट, जो है ना हिल के ऊपर है, बट वो हम लोग जा नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग अगर वहाँ जाएंगे तो ये बाग मिस हो जाएगा, मतलब वहाँ पे वर्थ इट नहीं लग रहा है, ये बाग जाना बेटर लग रहा है। और हमारे साथ एक 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 ये लड़की है, ये लड़की ने हमें बहुत परेशान किया है, लड़की ने बहुत परेशान। हाँ, ये अभी अभी ना एकदम खुशी खुशी बात कर रही है, देखो अभी yes, देखो कैमरा yes. कैमरा खींचे, अभी खुशी खुशी बात कर रही है। बोलो, आप लोग भी फ्लाइट में सबको परेशान कर दिया लड़की ने, मतलब पूरा फ्लाइट परेशान था इसकी वजह से। क्या बोल रही है? बोलो, आप लोग भी आओ घूमो। बोलो बोलो, इधर इधर बोलो। ये तो दादी बोल रही है, आप बोलो बोलो। आप लोग भी आओ घूमो। इधर घूमो, तो अभी हम पहुंच गए हैं पिंजोरे गार्डन, जो आधा घंटा दूर था चंडीगढ़ एयरपोर्ट से। और यहाँ का एंट्री फी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 25 रुपये। मैं आप लोग के साथ आइटनरी शेयर करूँगा, जो भी मैंने पैकेज बुक किया है मेरे फैमिली ने, और हम लोग कैसे कैसे जा रहे हैं। अब चलो पिंजोरे गार्डन एक्सप्लोर करते हैं। अब काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये गार्डन वगैरह क्या घूम रहे हैं। बेसिकली ये गार्डन नहीं है, ये महल है जिसको गार्डन में कन्वर्ट किया है, जो 17th century का महल था उसको। और ये लड़की गार्डन गार्डन के नाम पे रोती थी, अभी सो गई थी, इसको उठा रहे हम लोग अभी जबरदस्ती गार्डन के लिए।
शक्ल देखो इसकी। तो यहाँ पे एक ट्रेन है जो पुराने जमाने का इंजन है वो रखा हुआ है इधर यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इतने रानी महल, शीश महल, रंग महल, जल महल और बाकी फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट एंड बार है। ये पहला शीश महल है ये वाला, और ये एंट्रेंस था जहाँ से हम लोग आए। तो अभी दिखा दो ये शीश महल का एक छोटा सा ग्लिम्स, स्क्रीनशॉट लेके या तो पॉज करके देख लो। अब मैं एंटर कर रहा हूँ रंग महल, ये दूसरा महल है। पे फाउंटेन चालू है, लास्ट उसमें शीश महल में फाउंटेन चालू नहीं थे क्योंकि बाहर ही लिख दिया था कि फाउंटेन बंद है। तो बेसिकली ये फोटोज़ के लिए और हिस्ट्री के वजह से बहुत फेमस है। तो अभी हम लोग ऊपर है और नीचे जाते जाएंगे हम लोग यहाँ से, और यहाँ पे लोग मोस्टली फ़ोटोज़ ले रहे हैं क्योंकि ये अपर साइड है यहाँ का। और नीचे अभी तक पीछे कुछ नहीं था। ये भाई ना मेरा घुस के बोलता है बस इतना ही है, मैं बोला अरे तू चलता अभी आगे, आगे बहुत कुछ है देखने के लिए। और ये देखो यही प्लेस है जिसके लिए लोग आते हैं ये व्यू के लिए, यही है मम्मी। तो अभी यहाँ से हम लोग नीचे नीचे जा रहे हैं भाई, अभी नीचे नीचे जाना है, चढ़ने टाइम हालत होएगा सबका, बट वर्थ इट प्लेस है देखने के लिए। मैंने सिर्फ वीडियो देखी थी आने से पहले, और यहाँ पे आके व्यू देख के मैं लिटरली अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे आके। फैमिली एंजॉय कर रही है तब तक मैं एक्सप्लोर करता हूँ। यहाँ पे एक ब्रिज बनाया है बीच में, वहाँ पे आके खड़े रह के व्यू दिखाता हूँ आपको। पीछे लोगों ने कब्जा कर लिया था वो ब्रिज, तो मैं आगे जा रहा हूँ ये वाले ब्रिज। आ जाओ मैडम, हमारी माता जी, इनको इनको देखो घूमना नहीं है, इनको देखो ये करना है, देखो ये ना अभी बंद कर दिया, सबको मुंह में लिपियाँ डाल रही है, ये होती है माता, घूमना नहीं होता इनको, ये इसमें भी खुशी मिलती है इनको। तो अभी ये महल जाने के बाद यहाँ पे फूड कोर्ट आता है, और यहाँ पे रील्स बनाने के लिए जिनको वीडियोस बनाने हैं उनके लिए बेस्ट है, जो रील्स बनाते हैं उनके लिए एकदम सिनेटिक व्यू और अच्छा व्यू मिल जाता है। यहाँ पे फाउंटेन है सामने, एक छोटा सा ऐसा महल ये एरिया बना हुआ है, घूमने लायक बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, फ़ोटो के जरिए बहुत सारी चीज़ें, और यहाँ पे देख के काफ़ी मज़ा आ रहा है इसके कारण। तो अभी मैं बैठा हूँ ये सिनेटिक जगह पे आराम से, और यहाँ पे टाइम लैप्स बनाऊँगा। हमारे पास दो मित्र मिल गए हैं हमें, ये देखो इनको कैमरा थमाया था मैंने, और अभी टाइम लैप्स देख लो। ओके सर जी, तो ये था सेंटर ऑफ पिंजोरी गार्डन। मैंने अपने घर वालों को फूड कोर्ट में भेज दिया ऑर्डर करने, मैं तब तक जो वीडियो अभी देखा आपने वो बना रहा था। अब यहाँ पे जाते हैं ज़रा देखते क्या है यहाँ पे, ये बीच में जहाँ पे सारे लोग फोटोज़ और वीडियोज़ ले रहे थे वहाँ पे जाते हैं। तो ये है जल महल, इसका एक छोटा सा पॉज करके इसका हिस्ट्री देख लो। और ये महल काफ़ी बड़ा है, मतलब अंदर अंदर जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें घूमने के लिए है गार्डन साइड में। मैं तो सीधा ओपन एरिया में गया हूँ क्योंकि फैमिली के साथ आया हूँ, तो पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं करूँगा, बट जितना भी एक्सप्लोर करूँगा आपको ज़रूर बताऊँगा। वैसे तो ऑलमोस्ट अब हो गया है, जल महल भी कम्प्लीट हो गया है, और अभी फूड कोर्ट आ गए, तो यहाँ पर रेस्टोरेंट बाहर है, आगे कुछ भी नहीं है, बट तो भी आगे जाके देखेंगे क्या है आगे। हमारी मैडम मैगी खा रही है यहाँ पर बैठ के, खाइए खाइए मैडम।
तो दिस वॉज अबाउट जल महल, जो कभी अगर गलती से भी आ रहे हो तो मिस मत करना, क्योंकि यही एक जगह है जो सबसे बेस्ट लगी मेरे को। अभी आगे जाता हूँ मैं, आगे जाके देखता हूँ कि कैसा है। सबसे बेस्ट चीज़ इसको जैसा मेंटेन कर रखा है ना, जैसे मैं जम्मू में अमर महल गया था वैसे ही इसको भी वैसे मेंटेन करके गार्डन बना के, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि उस ज़माने का 17th सेंचुरी का भी इतना अच्छे से बना के रखा है लोगों ने। बेस्ट पार्ट इस जल महल का कि आसपास पूरे फाउंटेन है और पानी कितना क्लीन है। हमारी मैडम भी आ चुकी है अभी खा पी के, इसका फोटोग्राफी होगा अभी। मैडम बॉटल छोड़ नहीं रही, मैडम बॉटल दो ना मेरे को, दो ना, अरे दो ना। सबसे बुरी चीज़ लोगों की, अच्छे चीज़ को भी ख़राब करते हैं हर जगह, हर इसमें कर ही देते लोग। मतलब क्या होता है, नाम लिख के क्या हो जाता है समझ में नहीं आता, अच्छी चीज़ को ख़राब कर देते नाम लिख के। क्या है इधर मैडम, क्या है इधर, क्या है, पानी है और हाँ हाँ, क्या है ये, फेंको उसको, कैमरा फेंक दूँ मैं क्यों। अब सबका हो गया फोटो वगैरह निकाल के, अभी मैडम का एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये मुझे बोलती थी हमेशा गार्डन लेकर चलो, अब गार्डन लेके आए तो इसके बाद घूम रहा हूँ। क्या नहीं है, अरे फेंको नहीं, कैमरा थोड़ी फेंकते है, चलो आगे चले चलो। तो ये एंड है गार्डन का, बाग का, यहाँ पे भी फाउंटेन बंद है और जल महल तक ही था, पूरा पानी वहीं पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे सब बंद है और वो बाहर ही लिखा था वैसे कि बाहर बंद है फाउंटेन। तो ये देख लो एंड, अभी सनसेट भी हो रहा है, अच्छा सिनेटिक व्यू आ रहा है। तो ये फाउंटेन सारे कनेक्टेड है, यहाँ से पानी नीचे जाता है, ये एरिया से पानी नीचे जाता है, मतलब पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा कनेक्टेड है यार फाउंटेन। तो मम्मी ने लास्ट में मेरे को एक चीज़ दिखाया, लीची का फार्म, तो जिन मम्मी लोग को पसंद है ये सब प्लांटेशन, मेरी माँ को तो बहुत पसंद है फार्मिंग वगैरह देखना। अभी देखो कुछ बोल नहीं रही है, बोलो ना अभी। यस यस बोलो ना, पसंद है बहुत पसंद है। फार्मिंग होता है यहाँ पे सापोटा का है जिससे क्रिकेट बॉल बनता है। सो दैट्स इट अबाउट दिस गार्डन, इतना ही था और अभी निकल रहे, अभी लाइटिंग्स भी डल रही है बट लाइटिंग के लिए हम लोग शायद नहीं रुकने वाले, हम लोग भाग जाएंगे अभी, बिकॉज हमें पहुँचना है अभी शिमला, जो यहाँ से अभी 90 किलोमीटर और 2.5 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे हम लोग को। तो अभी अगला निकले तो हम लोग 10 बजे पहुँचेंगे, सो फटाफट भागते। सो दैट्स इट अबाउट दी पिंजोरे गार्डन। रंग महल का एक्चुअल मज़ा अभी है, अभी देखने मिल रहा है हम लोगों को। तो मतलब चलो थोड़ा टाइम वेस्ट करके यहाँ पे अच्छा ही किया, ये लाइट्स का भी व्यू देखने मिल गया। नीचे माता ने दिखाया लीची का फार्म और रंग महल में हमें दिखा आम के पेड़। रंग महल में यहाँ पे लॉन्च भी है, पता नहीं अभी ओपन है कि नहीं, बेल वेल दिख रहा है बट मेरे को लगता है अभी तो बंद है, नहीं तो लोग काफ़ी जाते हैं अंदर। ओपन था कि नहीं वो भी नहीं मालूम, लाउंज लिखा है तो मतलब अभी का ही लिखा है किसी ने। सामने और भी अमेजिंग फ़ोटो लेने की जगह है, ये वाली जगह पे आगे आगे आगे। फ़ोटोग्राफी के लिए इंटरेस्टेड हो, मॉडल हो, तो यहाँ पर ज़रूर आना, क्योंकि मेरे को यहाँ पर प्री वेडिंग शूट बहुत सारी चीज़ें दिखती, प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग लोग फ़ोटोशूट ही करने आए हैं। रंग महल के जस्ट बाहर राइट साइड में यहाँ पे रूम्स भी है, रेस्टोरेंट एंड बार है, ये देखो सामने। फाइनली अभी जाके रंग महल के बाहर खाली दिखा है, लोग फोटोशूट ही कर रहे थे तो अभी व्यू दिखा तो। शाम को तो और मज़ा है यहाँ पे, बट हम लोग लेट हो रहे हैं, हम लोग शिमला पहुँचना है, यहाँ से 3 घंटे है तो निकल रहे हैं, नहीं तो नाइट में तो और अच्छा दिखता होगा। अभी हम लोग रास्ते पे आए हैं काली माता के मंदिर,
दर्शन करने जा रहे हैं। मंदिर के अंदर बट ऑब्वियस शूट करने नहीं मिला, मंदिर से बाहर निकल के मुझे दिख रहा है गुरुद्वारा। अभी बज रहे रात के 9:30। जैसे ही मंदिर से मैं निकला ऊपर घाट की तरफ चढ़ने लग गए और मैं फटाफट इसके लिए आधा शूट करके भागने लगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट है। होटल में भी जो हमारा डिनर है वो बफे बंद हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग सोचे जल्दी जल्दी पहुँचे। अभी भी यहाँ से अराउंड 1.5 घंटा है हमें ट्रैवल करने के लिए, और तो चलो अभी पहुँच के मिलता हूँ मैं होटल में। अभी बज रहे 10:30 और अभी मैं पहुँचा हूँ होटल। रास्ते आते टाइम हालत हो गई क्योंकि गाड़ी में पीछे बैठने की मेरे को वैसी ही आदत नहीं है, नॉर्मल मुंबई में भी। इस घाट में चढ़ना मतलब हिल एरिया में चढ़ना, अभी तो बस शुरुआत की है, अभी ऊपर चढ़ते ही जाना है और 15 दिन बस ऊपर चढ़ते ही जाना है मेरे को। तो ये तो ट्रेलर था, अभी रूम से मैं ना आपको व्यू दिखाता हूँ। लुक एट दिस व्यू। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, आज के लिए बस इतना ही। अभी कल सुबह मिलूंगा, कल शिमला घूमूंगा आराम से, देखते हैं कौन से पॉइंट्स होते हैं। वैसे तो बहुत सारे आइटनरी में पैकेज में पॉइंट्स थे बट उसमें से आधे ही होंगे मेरे को लग रहा है, मेरी माता को लग रहा है पूरे होंगे बट मुझे पता नहीं होंगे। आज गार्डन में जैसा देखा ना मैंने सब आराम से हो रहा है, 2-3 घंटे लग गए गार्डन में, पर ठीक है अच्छा कि हम लोग थोड़ा लेट निकले, आज पहला दिन था तो आराम आराम से निकले। घाट चढ़ने से पहले मंदिर भी रुक गए काली माता का। That's it for the video. If you guys like, do check out my whole playlist. और भी बहुत सारे playlist है महाराष्ट्र जो मैं पहले travel किया हूँ और जम्मू के, ये मेरा 3rd trip है। So मिलते हैं कल, see you guys in the next video.